महाराज जी, आजकल बच्चे हैं जो परीक्षा से क्यों डर जाते हैं, परीक्षा से, और साल भर तो वो याद करते हैं महाराज जी, पूरी अच्छी तरीके से याद करते हैं। देखिए, आजकल की परीक्षा में और आपके और हमारे जमाने की परीक्षा में बड़ा अंतर होगा जी। पहले परीक्षा परीक्षा मात्र होती थी, अब परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा बनते जा रही है जी। परीक्षाओं में प्रतियोगिता जब आती है तो दिमाग में अतिरिक्त दबाव होता है और यही दबाव भय का कारण बनता है। तो कोई समाधान बताइए। इसके पीछे पहले इसकी वजह में जाए। इसकी वजह है आज के लोगों की सोच। आज को हर कोई अपने बच्चे को IITian बनाना चाहता है, CA कराना चाहता है, MBA कराना चाहता है, या उसे डॉक्टर बनाना चाहता है। ठीक है, हमारी समाज से ही लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, पर सब कुछ तो नहीं पहुँचते। बच्चे की योग्यता, उसकी प्रतिभा, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और अन्य बातों का विचार करके भेजा जाए तो बात अलग। अब लाखों बच्चे केवल इसी कार्य में चले जाते हैं, चुनाव तो कुछ का ही होता है, तो जो बाकी लोगों को उसमें विफल होता देखते हैं तो वो डर बच्चों के मन में गहरा हो जाता है। तो पहली बात, बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि बेटे तुम पढ़ाई करो, नंबर की तरफ ध्यान मत दो, परसेंटेज कोई काम का नहीं होता जी। मैं देखता हूँ अपने समय में बिल्कुल मेरिट में आने वाले बच्चे भी आज सामान्य स्थिति में हैं और एवरेज बच्चे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि जब हमारा ध्येय केवल परसेंटेज पर केंद्रित हो जाता है तो वह किसी प्रतियोगी परीक्षा में हमें भले सफल बना दे, लेकिन जीवन व्यवहार में ऐसे लोग प्रायः पिछड़ जाते हैं। माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को कहे कि तुम मन लगा करके पढ़ो, नंबर पर ध्यान मत दो, तुम अपने भीतर विषय को अंकित करो, अंकों को क्यों देखते हो। पर बहुत कम माँ बाप हैं जो आजकल बच्चों को ऐसा कहते। बचपन से ही बच्चों को परसेंटेज 95+ आना चाहिए जी। एक दिन एक पिता अपने बच्चे के रिजल्ट को देखकर बहुत जोर जोर गुस्सा कर रहा था, बोले ये कोई रिजल्ट है, पूरा साल खराब कर दिया, हिंदी में 12 नंबर, अंग्रेजी में 17 नंबर, गणित में 8 नंबर, विज्ञान में 5 नंबर, सारा साल खराब कर दिया। अब चिल्लाया जा रहा था। धनपत्नी आई, बोले क्यों इतना बड़बड़ा रहे। बोले देखिए कोई रिजल्ट है। पत्नी ने देखा, पति की तरफ बढ़ा करके कहा, थोड़ा ध्यान से देखो किसका रिजल्ट है। पता लगा उसी का मार्कशीट था पुराना। हम खुद क्या हैं और बच्चों से कितनी अपेक्षा रख रहे हैं। जरूरत से ज्यादा अपेक्षाएं भी अतिरिक्त दबावों का कारण बनती है, समझ गए। उसको आगे पढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित ना करें, पढ़ने के लिए प्रेरित करें, मन लगा के पढ़ने के लिए प्रेरित करें, पर नंबर के लिए उनका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। रिजल्ट खुला, टॉपर ने 99.9% लाया और एक था वो 33% मार्क्स लाया। 99.9 वाला जितना खुश था, 33% भी उससे ही कहीं ज़्यादा खुश था। बोले हद हो गई रे, वो 99.9% लाया तो उससे ज़्यादा खुश है। बोले इसलिए तो खुश है कि अगले साल हम दोनों एक ही क्लास में बैठेंगे। जहाँ 99 वाला बैठेगा वही मुझे बैठने मिले। थोड़ा ये दृष्टिकोण भी होना चाहिए। और मैं महसूस करता हूँ कि परीक्षा की जिंदगी में लोग भले आगे निकल जाए, पर ऐसे लोग जिंदगी की परीक्षा में विफल हो जाते हैं। आज जितने भी इस तरह के सुसाइड्स वगैरह के घटनाएं सामने आती है, वो पढ़े लिखे लोगों में ज़्यादा आती कि कम में? पढ़े लिखों में ज़्यादा आती। तो ये सब चीज़ें क्यों हैं, हमें इन कारणों को समझना चाहिए।
समाज का पूरा दृष्टिकोण बदलना चाहिए, बच्चों के प्रति दृष्टिकोण बदलना चाहिए, तभी हम कुछ अच्छा कर पाए। नमस्ते।